जिस चीज को बच्चा, जो हम क्लासेस देते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, जिस चीज को 2 घंटे में याद कर रहा है या 1 घंटे में याद कर रहा है, उसको 15-20 मिनट में याद करना शुरू कर देता है। लंबे समय तक याद रहती है, बच्चे को भूलने की बीमारी फिनिश, जैसे भूलने की बीमारी रहती है, याद करा लगा यार भूल रहा हूँ, वो सिचुएशन बनती है। तो होता क्या है, जो हम क्लासेस देते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, जब उसमें हम उसको एक्सरसाइज कराई जाती है मिड ब्रेन, उसको म्यूजिक सुनाए जाते हैं, बच्चों को आंखों पर पट्टी बन जाती है, वो लेट जाते हैं, म्यूजिक प्ले किया जाता है, उससे क्या होता है आपके ब्रेन में जो 1200 करोड़ से ज्यादा न्यूरो सेल्स है वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे एक्टिव होंगे वैसे वैसे आपका ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप होगा तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी, लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। साथ में ये तो है कि पढ़ाई में तो बेनिफिट होता ही है, साथ में एक रिजल्ट और आता है बच्चे में, वो क्या, जिसकी वजह से हमें नासा विजिट कराया गया, वहां पे सम्मानित किया गया कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं। आप कॉटन लगा दो, पट्टी बांध दो आंखों पर उसके, और आपको उस करेंसी दो, करेंसी कोई भी नोट दो, उसको बता देगा कितने का नोट है, उसका सीरियल नंबर क्या है, पैरों से अखबार पढ़ना, मोबाइल के मैसेज पढ़ना, मतलब वो सारे काम जो हम और आप आंखों को खोल करके करते हैं, बच्चा आंखों को बंद करके करने लग जाता है। सरप्राइज लग रहा होगा शायद आपको, शायद आपने पहले किसी ने देखा भी हो, उसके बारे में सुना हो, बट मैं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपको, इसलिए डेमो भी। अच्छा, डेमो कौन कौन देखना चाहता है कि ब्लाइंड फोल्ड करके कैसे रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं, तो सभी देखना चाहते हैं, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। तो उस डेमो को स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 स्टूडेंट्स की आवश्यकता है, एक बॉय एंड एक गर्ल, 2 बच्चे मेरे पास आ जाए, कोई भी 2 स्टूडेंट। तो अभी क्या करते हैं, ये जो कॉटन और पट्टी है, एक्चुअली हुआ क्या, जो हमारे बच्चे टीवी न्यूज चैनल पर गए तो वहाँ पर जो रिपोर्टर होते हैं वो बड़ी टांग खींचते हैं, उन्होंने बोला कि यार बच्चा आपका कहीं ना कहीं से तो देख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमने बोला कि बच्चा आपके सामने है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं इसके साथ में। तो उन्होंने क्या करा, ये कॉटन लिया, कॉटन लगाया और ऊपर से पट्टी बांधा। कि कॉटन किस लिए, क्योंकि अभी बच्चा आँख खोलने की कोशिश भी करेगा तो कॉटन अंदर चुभेगी, पानी निकलेगा, वैसे नहीं देख पाएगा। तो तब से हमने भी स्टार्ट कर दिया कि यार झंझटी खत्म करो कि बच्चा देख सकता है, तो इसलिए कॉटन का हम यूज़ करते हैं। तो सर ये कुछ कलर है, ये कुछ कलर हैं, ठीक है, इनमें से देकर देखते हैं। अब मैं क्यों दे रहा हूँ इनको, इसका भी एक रीज़न है, थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ उसको। देखिए हमारा जो ब्रेन है, ये बच्चे रेकग्नाइज कैसे कर पाते हैं, थोड़ा सा उसको साइंटिफिक समझेंगे। कोई बाबा जैसा चमत्कार नो, कुछ नहीं है, ये सब आप भी कर सकते हैं, ये सब टैलेंट आप में भी हैं, लेकिन उनको जागृत करना पड़ता है, साइंटिफिक समझते हैं क्या है। हमारा जो ब्रेन है, यहाँ पे बीच में ग्रंथि होती है सर, जिसका नाम है पीलियन ग्लैंड। क्या नाम है? वो 2 तरीके के हार्मोन को सीक्रेशन करता है, एक तो मेलाटोनियम और सेराटोनियम। अभी 5 से 15 और 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये 80-90 इस तरीके से सीक्रेशन चलता है PGML के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लास जब हम देते हैं तो उसको 120 PGML तक लेकर के जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर बच्चा क्या होता है, उसका ब्रेन तो डेवलप होता ही है, साथ में उसको चीज़ें रिकग्नाइज होनी शुरू हो जाती हैं। आप कलर दो बता देगा, रगड़ेगा, सूंघेगा, उसको फील हो जाएगा कौन सा ही कलर है। रीड करेगा तो हैंड ऐसे रखेगा, उसको टाइप होने शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो बच्चे के एक्सपीरियंस जानेंगे, बच्चे का जो है आपको अभी एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे लास्ट में, लेकिन अभी डेमो चेक करते हैं बच्चे का। मैं इनका इसलिए करा रहा हूँ, इनका इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे का पहले से सीक्रेशन बढ़ा हुआ होता है किसी किसी बच्चे का, तो वो रिकग्नाइज भी कर जाता है। तो इनको दे करके देखते हैं कुछ कलर। नाम क्या है बेटा आपका? दीपांशु। सर भी शो जाओ सर। क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु, ओके। आपका नाम क्या है बेटा? चाहत। थोड़ा आगे हो जाएं आप। क्या नाम है? चाहत। तो दीपांशु और चाहत, अच्छा इन पे पूरा भरोसा है ना आपको? सर। भरोसा तो पूरा है? सर। आवाज में दम नहीं रहता तुम्हारे, भरोसा पूरा है? हाँ ये है। तो अभी इनको देते हैं कुछ कलर, ये रिकग्नाइज कर पाएंगे या नहीं। तो दीपांशु ये कौन सा कलर है? तुक्का ही मार दो, कई बार तुक्के ठीक बैठ जाते हैं, अगर पता लगे तो बता दो। सर रेड। रेड कलर, रेड कलर, आज से इसको रेड करना शुरू कर दो भाई। कोई नहीं कोई नहीं, चाहत को भी देते हैं। देखना ये कौन सा कलर है बेटा, कौन सा है? ब्लू कलर। क्लैपिंग कर दो भाई, ब्लू कलर कर दो भी आप। चलिए एक और देते हैं, ये कौन सा है? कई बार तुक्के ठीक बैठते हैं, तुम भी चेक करो भाई, ये कौन सा है? ग्रीन। रेड। कौन सा है? रेड। लाउड बोलो थोड़ा। रेड। रेड कलर, तो पॉसिबल नहीं है वैसे, बट मैं ये चेक कराना चाह रहा था कि भाई दिखता तो अच्छा, पट्टी में से दिख रहा है बेटा कुछ? पॉसिबल है क्या, बोल के बताएं आप सबको, कोशिश करके देखो, दिख रहा है क्या? ओके आपको दिख रहा है क्या? नो सर। पक्का? कोशिश करके देखो। नो सर। नहीं दिख रहा है।
तो पट्टी में से दिखना पॉसिबल नहीं है अभी, यही पट्टी, यही बच्चे या कोई सामने से टीचर आ जाए और हमारे जो बच्चे हैं इनके आप पट्टी बांधेंगे, कोई भी टीचर्स आ जाए, सर आप आ जाओ प्लीज़, अरे सर प्लीज़ आप आए, आ जाओ आप भी, सर आप इनके बांध दो, कैसे कलर, अच्छा ये बच्चे भी रेडी होने वाले हैं तो अपनी तरफ से आप कुछ भी दें, ठीक है, अपने पॉकेट से निकाल लो, टीचर से कहूँगा कि भाई आप करेंसी हो तो करेंसी, किसी के पास कुछ भी हो पढ़ाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कोई कलर हो तो आप दे सकते हैं कुछ भी, करेंसी कलर बता देंगे, हाँ सर सब कुछ बताएंगे, पढ़ेंगे भी है, आप सर कुछ भी दें, रेडी, ये लो, येलो, कौन सा कलर है, येलो, वेरी गुड सर, ये लो आप कलर, बेटा एक मिनट थोड़ा पीछे हो, आप पीछे हो, पिंक, कौन सा है, पिंक, पिंक कलर, और कुछ नहीं सर, सर बोल रहे सबकी जांच कर रखी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे कलर मत दो, आप अपने पास से कुछ दो, ग्रीन, ग्रीन कलर, सर अपने पास से दें आप प्लीज, कुछ भी आप करेंसी दो सर इनको, ग्रीन, ये सब बता देंगे सर, सब बताएंगे, आप अपने पास से कर दो, हाँ हाँ बिल्कुल सर, ग्रीन देखना सर, उधर उधर कुछ देना सर, बेटा ये कैसी कलर की पेन है, ब्लैक, और कलर दे रहे हैं लोग, येलो, मोबाइल दे सर मोबाइल, हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा अच्छा देखना सामने कौन है, यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर एक सर है, लो माइक, व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट और व्हाइट कलर के शूज, अच्छा मैं लाइन में बैठा हूँ, उनके हैंड में कलर है ऐसे, ओके okay. अच्छा ये लो, इसमें देखो टाइम क्या हो रहा है, जी जी जी, हाँ 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 सर बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है बिल्कुल, ये चीज़ होनी चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अब अपने पास से भी कुछ बांध सकते हैं, 849 सर, कलर कैसा, कलर ब्लैक रेड एंड ग्रे पे ए है, अच्छा बच्चों आप भी कुछ पूछो इनसे, आप भी कुछ दे सामने यहीं पर, बेटा ये हाँ हाँ कितने की करेंसी है, 2000 रुपीस की करेंसी, तो इसका सीरियल नंबर और पढ़वाते हैं सर, सीरियल नंबर चेक कर लें आप, 2BW14-15-16 देखना, अब देखना कौन आया आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बोलो ना आप, यहाँ पर एक लड़की है ऑरेंज कलर की टी शर्ट और पोजीशन ऐसे है, ठीक है ठीक है, अच्छा बेटा पोजीशन चेंज करो अपना, ऐसे ऐसे कोई भी और पोजीशन बनाओ, हाँ हाँ और चेंज करो, अजीब सा बनाओ कुछ देखना अभी कौन आया, पर एक लड़की है व्हाइट कलर के सूट सलवार और पोजीशन ऐसे, दोबारा बोल दो एक बार, यहाँ पर एक लड़की है व्हाइट कलर के सूट सलवार और पोजीशन ऐसे है, राइट है, और कुछ देना है आपको, चलिए ये लो कलर, कलर पर और कुछ आप देना चाहें उधर स्टाफ में से प्लीज, यही मौका है फिर तो पता नहीं कब मिलना होगा आप लोगों से, तो कुछ भी आप दे सकते हैं, यस ये लाया एक बच्चा, बेटा क्या है, मॉनिटर, ये रेड कलर का है, इससे वाइट कलर की मॉनिटर, ओके और कुछ, न्यूज़पेपर लाओ सर, अच्छा ये सर आप इसमें से कोई हेडिंग दे बच्चे को, कोई भी हेडिंग, तो ये हेडिंग पढ़िएगा, पदक दिलाने की चाह में छोड़ी नौकरी,
सर चेक कर लें आप प्लीज। वेरी गुड। गंगा के वेटलैंड यस। क्षेत्र के क्षेत्र में लगे प्रवासी पक्षी। अच्छी चलो और कुछ दे सर आप। सर कोई वो नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चा आपके सामने आप और पट्टी बांध सकते हैं। अच्छा न्यूज़पेपर लाओ सर, ये एक मिनट सर प्लीज सर, आप सूज उतारे। अच्छा ये बच्ची पैर से भी पढ़ती है, अभी पैर से हेडिंग पढ़ेगी तो कोई दिक्कत? बस तो पैर से और चेक कराते हैं एक बार, आप सूज उतार लो उनके। अच्छा इधर की साइड कैमरे की तरफ कर लो थोड़ा सा, जो इधर आ जाए बेटा। ये बीच वाली हेडिंग पढ़नी है, यही वाली। ये सारी चीजें सीक्रेशन से होती हैं, जैसे सीक्रेशन स्तर बढ़ता है ना। ओके क्या बोला? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहु पर रखता था गलत निगाह, बेटे ने की हत्या। हाँ एक बार पूरा यही वाला एक बार दोबारा बोल दो हेडिंग। बहु पर रखता था गलत निगाह, बेटों ने की हत्या। हाँ सर लगा दो, पट्टी बांध दो, फिर टेपिंग भी कर दो, फिर तो पॉसिबल नहीं है दिखना मेरे हिसाब से। कॉटन पट्टी, कॉटन लगी तो वैसे ही नहीं दिखता है, इसलिए हमने शुरुआत में बच्चों के बांधा, नहीं तो बाद में वही होता है कि अरे वो उस छेद में से देख रहा था। सिंपल सी बात यह है कि ऐसे हम 2500 से ज़्यादा बच्चे तैयार कर चुके हैं, और ऐसे ही बच्चे हम आपके स्कूल में भी तैयार करेंगे अगर आप चाहेंगे। आप चाहेंगे ये वर्कशॉप करना तो सर आपके स्कूल के बच्चे कल यहाँ खड़े होकर के और वो ऐसे ही चीज़ों को रिकग्नाइज करेंगे, ये मेरा वादा है। सो, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके एग्जाम भी हैं। ये डेमो, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी टीचर्स स्टाफ में से किसी का या स्टूडेंट्स का? तो ये क्या है जो मैंने अभी बात की थी DMIT की, DMIT अगर आप चाहते हैं कराना अपना, उससे क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सारी चीज़ों का पता लगेगा, और जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो वर्कशॉप होगी उसको भी हम स्कूल में ऑर्गेनाइज कराएंगे। आप सभी अभी क्या करेंगे, घर पे जा करके पेरेंट्स को बताएंगे, अगर आपके पेरेंट्स PTM वाले दिन हम फिर से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर देंगे पेरेंट्स के लिए स्पेशली, वहाँ पे आपके पेरेंट्स के मन में जो डाउट हो वो हमसे सवाल जवाब करेंगे, वो संतुष्ट होंगे। तो संतुष्ट होने के बाद में आप यदि चाहते हैं कि इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये वीडियो शूट हो रही है यहाँ पर, YouTube पर डलेगी ये, और YouTube का नाम है DMIT बाय दीपक आर्य। मैं इसको नोटिस बोर्ड पर भी लगवा दूंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं, वैसे आपको शायद याद रह जाए DMIT बाय दीपक आर्य। ये वाली वीडियो यहाँ स्कूल की जो वीडियो बनी है ये आपको वहां मिलेगी। और एक चीज़ लास्ट रह गई है, उसको मैं कहना चाहूँगा, अभी अंकिता देसवाल का हम एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि उन्होंने अपना DMIT टेस्ट कराया, उन्हें क्या पता लगा अपने बारे में, और मिड ब्रेन की क्लासेस जो उन्होंने ली हैं, अभी इनकी एडवांस कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसको मैं कह रहा था ना बुक फ्लिप करके याद कर सकते हैं, वो आता है क्वांटम स्पीड रीडिंग में, एडवांस में आता है वो कोर्स, इनका भी चल रहा है। तो अभी हम एक्सपीरियंस जानेंगे अंकिता देसवाल का कि उन्होंने जो कोर्स किया है उससे क्या बेनिफिट इनको हुए हैं। तो अंकिता देसवाल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अंकिता देसवाल फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैंने अपना DMIT टेस्ट करवाया, जिससे मुझे मेरा लर्निंग पैटर्न पता लगा, मैं किस तरीके से चीज़ों को सीखती हूँ। पहले मैं कुछ भी याद करती थी उसमें कंफ्यूजन रहती थी, बट DMIT टेस्ट से मुझे मेरा लर्निंग पैटर्न पता लगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग याद करती हूँ, मुझे चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। DMIT टेस्ट से मुझे मेरा लर्निंग पैटर्न, कैरियर ऑप्शन, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगा। इसके बाद मैंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की क्लासेस ज्वाइन की है, जिससे मैं ब्लैंक बोर्ड तो कर सकती हूँ। इसके अलावा मेरे ब्रेन की कैचिंग पावर भी बढ़ी है, जिन चीज़ों को मैं 2 घंटे में याद करती थी उनको 1 घंटे में याद कर लेती हूँ, और भूलने की बीमारी खत्म। मैंने अपने इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स 1 दिन में और प्रोटीक टेबल भी 1 दिन में याद कर लिए हैं। इसके बाद मेरी QSR की क्लासेस चल रही है, जिससे मैं बुक को फ्लिप करके याद करने लगती हूँ करूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज़ और है, जैसा कि मैं मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, अभी 12th क्लास में कौन है यहाँ पर, 10th में 12th में पीरियोडिक टेबल हमारे बहुत काम की चीज़ होती हैं, तो आपके साथ याद हों पहले से या टीचर्स के याद हों, इन बच्चों के सारी पीरियोडिक टेबल 118 होती हैं, टोटल याद है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि अपने इंडिया के अंदर जो स्टेट है, ठीक है, और स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, 756 डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे इनको याद है, आप बस स्टेट बोलिए आपको डिस्ट्रिक्ट सुनाना शुरू कर देंगे।
अभी मैं कहना ये नहीं चाह रहा हूँ इनको आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। मैं कहने का मीन्स बस ये है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को याद करने बैठते हैं, 118 याद करने बैठे, याद करते करते लगता है कि यार अभी याद किया, फिर लगता है 50 पे क्या था, 60 पे क्या था, उस पे क्या था, अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाता, कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो अभी आपको कुछ पूछना हो इनको डिस्ट्रिक्ट और पीरियोडिक टेबल तो आप कर सकते हैं सर। देखिए अभी आराम से बैठिए, आपको बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा ये गुड़िया, फिर बेटा आप बताएं अपने स्टेट के ही डिस्ट्रिक्ट बताएं। उत्तर प्रदेश, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, मेडगन, अमेठी, अमरोहा, और आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चिनकुट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुर, हाथरस, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर, संत कबीरनगर, सोनभद्र, सीतापुर, वाराणसी, उन्नाव। 75 डिस्ट्रिक्ट। आप केरल स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट बताएं। केरल, अलापुझा, एनाकुलम, इडुक्की, कुन्नूर, कासरगोड, कोलम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलम्पुलम, पलक्कड़, पथनांदर, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, वायनाड। ओडिशा, अंगुल, बलागरी, बलासोर, बरगद, भद्रक, देवगढ़, डेकानाल, गणपति, जगतानीपुर, झारसुगुड़ा, कलवाड़ी, केंद्रमाल, नुआपाटा, खोरता, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, रायपुर। हमारे इंडिया में अच्छा पीरियोडिक टेबल अभी कुलदीप देसवाल सुनाने वाले हैं आपको, ठीक है। 102 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 प्रोटॉन, 10 नियॉन, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 22 पेंटियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीट, 26 आयरन, 26 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सेलेनियम, 35 ब्रोमाइड, 36 क्रिप्टन, 37 रुबिडियम, 38 स्टार्च, 39 नाइट्रोजन, 40 जिरकोनियम, 41 नाइबियम, 42 मॉलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथियम, 45 गोल्डियम, 42 पैलेडियम, 47 सिल्वर, 48 कैडमियम, 49 इरिडियम, 50 51 एंटिमनी, 52 टेलियम, 53 आयोडियम, 54 ज़ीनियम, 55 सीजियम, 56 बेरियम, 57 लैंथियम, 59 प्रोसोडियम, 60 नोबेलियम, 61 प्रोथियम, 62 यूरेनियम, 63 सेरेनियम, 64 गैडोलियम, 65 टॉलियम, 66 डिस्प्रोसियम, 67 युट्रियम, 69 यूलियम, 78 ट्रायम, 71 लुथियम, 72 ट्रायबियम, 76 टेट्रम, 74 टंगस्टन, 75 रेडियम, 76 क्रोमियम, 77 इरिडियम, 78 प्लैटिनम, 79 गोल्ड, 80 मर्करी, 81 थैलियम, 82 लेड, 83 बिस्मथ, 84 पैलियम, 85 एस्टियम, 88 रेडियम, 89 फ्रांसियम, 88 यट्रियम, 89 एक्टिनियम, 90 थोरियम, 91 प्रोटेक्टियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यून, 94 प्रोटॉन, 95 अमेरिकन, 98 थोरियम, 99 बर्गेलियम, 90 कैल्फोनियम, 99 एसिटियम, 100 फर्मियम, 101 बेरिलियम, 102 लर्नेशियम, 103 रदरफोर्ड, 105 ड्यूबनियम, 106 सेवजूरियम, 107 बोरियम, 108 हैजनियम, 109 मेटरियम, 110 अननीलियम, 112 अननोबियम, 113 नियोनियम, 114। तो ये पीरियोडिक टेबल 118 होती है, ये सारी आप लोग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं इन वर्कशॉप, अच्छा कौन कौन ज्वाइन करना है, अच्छा ये बताओ पहले प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको जो, अरे वाह वेरी गुड। तो डीएमआईटी और मिडब्रेन की क्लासेस कौन कौन लेना चाहता है, सारे बच्चे लेना चाहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी अपने पेरेंट्स से बात करें, अपना मन बनाएं और जैसे सर बोलेंगे वैसे क्लासेस हम यहाँ पे रख सकेंगे आगे को। और हाँ एक क्वेश्चन, एक चीज़ लास्ट है मेरा कि इसके लिए परहेज भी होता है, ठीक है, जो अपनी क्लासेस चलती हैं परहेज भी होता है, वो क्या, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से दूर रहना होता है। तो रह पाएंगे क्या? Yes, पक्का? Yes, तो अगर आप रह पाए तो इस क्लास को ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसका ये परहेज होता है कि अगर आप टीवी, लैपटॉप, मोबाइल देखेंगे तो दिक्कत आती है। वो क्यों? क्योंकि जब मिड ब्रेन के हम क्लासेस देते हैं, क्लासेस से जो सीक्रेशन इस तरह अप होता है, हम क्या करते हैं घर पे जाते हैं, आप लोग क्या करेंगे भाई, उसमें फ़ोन में गेम खेलना शुरू कर देंगे। अभी जो वो गेम हम खेलते हैं उससे क्या होता है, अजीब अजीब तरीके की किरणें निकलती हैं, वो सीधा हमारे पीलियन ग्लैंड से टकराती हैं, जिससे कि हमारा सीक्रेशन इस तरह डाउन कर देती हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता फिर, और सीक्रेशन डाउन होगा तो फिर ये ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट भी नहीं आ पाता। तो यही चीज़ है कि आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। तो अगर रह सकते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अभी मैं सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा आपको। अब देखिए सर ने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताई, टीवी मोबाइल से दूर रहने के लिए ये कितनी हानिकारक है। ये बच्चे तब इतने
हुनरदार हुए हैं, टैलेंटेड हुए हैं, तब ये मोबाइल और टीवी से दूर रहते हैं, और आप मोबाइल टीवी के पास चिपके रहते हैं। 90% बच्चों की शिकायत आती है आपके पेरेंट्स अभी मोबाइल पे लगा रहे, टीवी देखते रहते हैं। वैसे तो आपका पेरेंट्स के काम है, हम तो नहीं जाएंगे बंद करने मोबाइल टीवी, पर जिम्मेदारी आपकी है कि आप ना देखें। यदि आपको कुछ बनना है, हम बार बार आपको प्रेयर में असेंबली में बताते हैं कि टीवी मोबाइल से दूर रहें। और ये बात भी बिल्कुल भाई साहब ने अभी बहुत ही अच्छी बताई, धन्यवाद।